गुड मॉर्निंग क्लास। तो आपका हमारा टॉपिक होगा मीटर ब्रिज या स्लाइड वायर ब्रिज। इसका नाम है स्लाइड वायर ब्रिज। और वी कैन से मीटर ब्रिज। तो हम पहले यही देखते हैं कि इसका नाम स्लाइड वायर ब्रिज क्यों है या इसका नाम मीटर ब्रिज क्यों है। तो क्योंकि इसमें क्या होता है, ये इसकी कंस्ट्रक्शन दी गई है। पहले हम इसकी कंस्ट्रक्शन समझते हैं। देखिए, जो हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज था, जो हमने कल डिस्कस किया था, PQRS। और अगर ब्रिज बैलेंस हो, कल हमने पढ़ा था व्हीटस्टोन ब्रिज, और अगर ब्रिज बैलेंस हो यानी गैलोमीटर में अगर जीरो हो, गैलोमीटर से कोई करंट पास नहीं हो रहा, तो P बटे Q इज इक्वल टू R बाई S। कल हमने इसको डिस्कस किया था हाउ मीटर ब्रिज वर्क। सो टुडे वी विल डिस्कस मॉडिफाइड व्हीटस्टोन ब्रिज, जिसे हम बोलते हैं स्लाइड वायर ब्रिज या मीटर ब्रिज। सो व्हाट इज स्लाइड वायर ब्रिज और मीटर ब्रिज। लेट अस सपोज, हम पहले से इस कंस्ट्रक्शन को देखते हैं। ये एक, दो और तीन, ये तीनों ही कॉपर स्ट्रिप हैं। दीज आर कॉपर स्ट्रिप। और क्योंकि ये काफी चौड़ी है, काफी इनका सरफेस एरिया काफी ज्यादा है, इसलिए इनका रेजिस्टेंस बिल्कुल न के बराबर होगा। ये एक नॉन रेजिस्टेंस है और ये एक अननोन रेजिस्टेंस है जिसको हमें कैलकुलेट करना है। और ये जो बीच का कनेक्शन है डी, इसके द्वारा हमने एक किसको जोड़ रखा है, गैल्वेनोमीटर को। ये एक मीटर का वायर है 100 सेंटीमीटर। ये लेंथ कितनी है, 100 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ तक। क्योंकि ये एक मीटर का वायर है इसलिए इसका एक नाम मीटर ब्रिज है। और ये है जॉकी। ये क्या है, ये है जॉकी। जॉकी क्या होती है, जॉकी ये मेटल की होती है और इसको हम क्या करते हैं, इस तरह पकड़कर इस वायर पर, इस वायर के ऊपर स्लाइड करते हैं। और क्योंकि ये जॉकी इस वायर के ऊपर स्लाइड होती है इसीलिए इसका नाम स्लाइड वायर ब्रिज भी है। बिकॉज द जॉकी स्लाइड ऑन द वायर, दैट इज वाई इट्स नेम इज स्लाइड वायर ब्रिज। एंड वी यूज 1 meter wire in this bridge, so we can say that it is meter bridge. तो अब हम देखते हैं इसकी वर्किंग कैसे होती है। ये जो थी इसकी कंस्ट्रक्शन, ये बैटरी है, ये की है। जैसे हम की को क्लोज करते हैं तो क्या होगा, करंट स्टार्ट हो जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, ये जॉकी है, इस जॉकी को इस वायर के ऊपर स्लाइड करेंगे और नल पॉइंट ढूंढेंगे। नल पॉइंट वी देखिए, हम यहां पर इस जॉकी को, एक कनेक्शन तो यहां पर हो गया और एक कनेक्शन इस वायर के ऊपर टच किया हमने, और इस जॉकी को इस तरह के ऊपर स्लाइड करते रहेंगे। कब तक, जब तक गैल्वेनोमीटर में क्या नहीं आ जाए, जीरो। कितना आ जाएगा, जीरो। वैन गैल्वेनोमीटर शो जीरो नल पॉइंट। जब भी गैल्वेनोमीटर में जीरो रीडिंग आ जाए, हम उसी पॉइंट पर रुक जाएंगे और उसको नोट कर लेंगे। हम उसको मान लेते हैं कि वो लेंथ है एल। ये लेंथ कितनी है, एल। तो ये बची हुई लेंथ कितनी होगी, ये होगी 100 माइनस L। देखिए, हमने ये B पॉइंट कैलकुलेट कर लिया। ये हमने क्या कैलकुलेट कर लिया, B पॉइंट। B पॉइंट है नल पॉइंट, यानी कि देखिए ध्यान से देखें तो जो ये वायर है, जो ये वायर है, अब हम कुछ बातें मान लेते हैं। लेंथ ऑफ द वायर, लेंथ ऑफ द वायर
100 सेंटीमीटर और 1 मीटर, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड मीटर पिच। रेजिस्टिविटी ऑफ वायर, हम क्या मान लेते हैं कि वायर की रेजिस्टिविटी क्या है, आर, यानी 1 सेंटीमीटर क्यूब, जो इसकी 1 यूनिट क्यूब वॉल्यूम है उसका जो रेजिस्टेंस हो कितना मान लिया हमने, आर। तो अगर हम इसको ध्यान से देखें तो ये तो R है, ये H है। अगर मैं इस लेंथ को P मान लूं और इस लेंथ को क्या मान लें, Q, तो एक रेजिस्टेंस तो ये रहा, और क्योंकि ये लेंथ L है तो जो P है, जो ये वायर है जिसकी लेंथ L है, और एक सेंटीमीटर वायर का रेजिस्टेंस क्या है, हाँ, रेजिस्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर वायर। और अगर 1 सेंटीमीटर वायर का रेजिस्टेंस L हो, R हो, अगर 1 सेंटीमीटर वायर का रेजिस्टेंस R हो तो L सेंटीमीटर का रेजिस्टेंस कितना होगा, एक ही नियम का सवाल है। अगर 1 सेंटीमीटर का R है तो L सेंटीमीटर का कितना होगा, तो P कितना होगा, L R। इसको इक्वेशन नंबर 1 मानिए। ये आर रेजिस्टेंस, ये एस रेजिस्टेंस, ये अननोन रेजिस्टेंस है, ये क्या है, अननोन, ये हमें कैलकुलेट करना है, ये है नोन, ये हम जानते हैं, इसकी वैल्यू हमें पता है। अब क्यों की वैल्यू क्या होगी, क्योंकि 1 सेंटीमीटर वायर का रेजिस्टेंस आर है तो एल सेंटीमीटर का रेजिस्टेंस कितना होगा, एल आर। अब ये लेंथ कितनी है, 100 माइनस एल, जब 1 सेंटीमीटर का रेजिस्टेंस R है तो 100 माइनस L सेंटीमीटर का रेजिस्टेंस कितना होगा, ओम। क्यों कितना होगा, 100 माइनस L इंटू R ओम। और अब अगर इसको ध्यान से देखें, अगर हम इसको स्ट्रेच करके देखें तो देखिए P, Q, R, उसमें क्या था, उसमें दिक्कत ये थी कि हमें चारों तीन रेजिस्टेंस की वैल्यू एडजस्ट करनी पड़ती थी ताकि ब्रिज क्या हो जाए, बैलेंस। इसमें हमें क्या करना है, ये उसका सिंप्लीफाइड वर्जन है, हम क्या करेंगे, अननोन रेजिस्टेंस को यहाँ लगाएंगे, नॉन को यहाँ लगाएंगे, वायर का रेजिस्टेंस हमें पता है कि 1 सेंटीमीटर का आर है, फिर हम क्या करेंगे, अब हम बार बार हम किसी भी रेजिस्टेंस को जो हम जानते हैं उसको यहाँ लगा देंगे, उसके बाद जोकी को स्लाइड करेंगे और ब्रिज को बैलेंस करेंगे। ब्रिज को बैलेंस कैसे करेंगे, हम चौकी को स्लाइड करेंगे और जहां पर भी जीरो आएगी, जहां पर एक्सेलेरोमीटर जीरो रीडिंग शो करेगा, वही पॉइंट क्या होगा, नल पॉइंट, और उसी पॉइंट पर ब्रिज क्या हो जाएगा, बैलेंस। फिर हम दोनों लेंथ को नोट कर लेंगे, ये लेंथ एल मान लेते हैं, ये लेंथ 100 माइनस एल मान लेते हैं, और अब 1 सेंटीमीटर आर है तो एल सेंटीमीटर का कितना होगा, एल आर, और 100 माइनस एल सेंटीमीटर का कितना होगा, 100 माइनस एल आर। Now apply. Now using Wheatstone rule. Wheatstone P बटे Q is equal to R बटे S. P by Q is equal to R by S. So P कितना है, L बटे R, L R 100 माइनस L इंटू R इज इक्वल टू R बटे S, R बटे S, R से R। अब क्योंकि R तो नॉन रेजिस्टेंस है, R क्या है, नॉन रेजिस्टेंस है, तो हमें कैलकुलेट क्या करना है, हमें कैलकुलेट करना है S, तो S को इधर ले जाइए, इसको वहां ले जाइए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, एस इज इक्वल टू 100 माइनस एल बटे एल इंटू आर। ये है हमारी फाइनल इक्वेशन। तो हम इसमें क्या करते हैं, अगर हमारे पास एक नॉन रेजिस्टेंस और एक अननोन रेजिस्टेंस है तो हम क्या करेंगे कि नॉन को लगा देंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, अननोन रेजिस्टेंस को एस की जगह लगा देंगे
उसके बाद हम जोकी को इस 1 मीटर के वायर पर स्लाइड करेंगे और तब तक स्लाइड करेंगे जब तक गैलोमीटर जीरो शो नहीं करता, और जिस भी पॉइंट पर गैलोमीटर जीरो शो करेगा हम उस पॉइंट को मानेंगे नल पॉइंट, और उस पॉइंट पर जो ब्रिज होगा वो क्या होगा, बैलेंस्ड होगा, और इस वायर की जो रेजिस्टिविटी है वो हमने मानी है आर। कितनी मानी है? आर। इसका मतलब क्या है कि 1 सेंटीमीटर अगर वायर कट करते हैं हम तो उसका जो रेजिस्टेंस होगा वो आर होगा। तो हम क्या करते हैं, जब नल पॉइंट कैलकुलेट करते हैं तो दोनों लेंथ को नोट कर लेते हैं, एक लेंथ को मान लेते हैं एल और जो बची हुई लेंथ है वो हो जाएगी 100 माइनस L। तो जब 1 सेंटीमीटर का रेजिस्टेंस R है तो L सेंटीमीटर का रेजिस्टेंस कितना होगा, वो LR होगा। भाई अगर 1 रुपए में 1 बिस्किट आता है तो 10 रुपए में कितने बिस्किट आएंगे, 10। तो इसी तरह अगर 1 सेंटीमीटर का रेजिस्टेंस R है तो L सेंटीमीटर का रेजिस्टेंस कितना होगा, वो होगा LR, और 100 माइनस L सेंटीमीटर का जो रेजिस्टेंस होगा वो कितना होगा, वो होगा 100 माइनस L, 100 माइनस L इंटू आर, 100 माइनस L इंटू आर। तो अब हमारे पास C की वैल्यू है, अब हमारे पास Q की वैल्यू है, R की वैल्यू हमें पहले से पता है, और जो अननोन वैल्यू है वो है S। वो क्या है? S। तो S कितना होगा? S होगा P by Q is equal to R by S। तो S होगा P by R into Q बटे P। अगर हम इसको यहाँ के P की वैल्यू से यहाँ Q की वैल्यू लिखते हैं तो S को वहां ले जाते हैं, इसको इस साइड ले जाते हैं, तो यहाँ ये यहाँ डिवाइड कर रहा था, यहाँ मल्टीप्लाई होगा और ये यहाँ पर रिवर्स हो जाएगा। तो हम सिर्फ और सिर्फ क्या करेंगे, हम सिर्फ और सिर्फ एक वैल्यू L नोट करेंगे, उसको इस फॉर्मूले में रखेंगे और आराम से हम अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू को कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये था हमारा स्लाइड वायर ब्रिज, और हम कह सकते हैं इसको मीटर ब्रिज। और स्लाइड वायर ब्रिज क्यों बोलते हैं, क्योंकि हम जोकी को 1 मीटर के वायर पर स्लाइड करते हैं, इसलिए इसका नाम स्लाइड वायर ब्रिज है। इसका एक नाम मीटर ब्रिज भी है। इसका एक नाम मीटर ब्रिज क्यों है, क्योंकि जो ये वायर है ये 1 मीटर का है, तो इसका नाम हमने क्या रखा है, मीटर ब्रिज, मीटर ब्रिज। तो आज के लिए हमारा इतना काफी है, बाकी हम कल डिस्कस करते हैं। थैंक यू।